स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं हूँ कास्टिंग और अभी हम लोग वर्ल्ड लीग में। इस बंदे का टीम का जो कॉस्ट है गाइस $1,500 है, ठीक है। ये खुद देखता है इस बात पर और मेरे को यकीन है भी और नहीं भी, क्योंकि वी आई पी 10 है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया होगा। इन्वेस्ट क्या किया होगा, यहाँ से थोड़ी ना रिटर्न मिलने वाला है भाई, कुछ नहीं मिलता यहाँ पर, वेस्ट किया होगा बोल दो, ठीक है। तो $1,500 इस टीम के लिए, मतलब आरसी कैंडी टीम के लिए और एक स्वॉम्फर्ड के लिए $1,500 इंडीड बहुत ही नाइस, बहुत ही बड़ा मतलब इन्वेस्टमेंट। सो सॉरी गाइस, फिर से बोला वेस्टमेंट है। तो हम लोग पोकेमॉन बदल देते हैं और वेस्ट टीम के अगेंस्ट लिखाते हैं स्नोरलैक्स। अब डार्क रहा है तो डार्क वॉर्ड ही आएगा और मैं यहाँ पर जीमूव लगा रहा हूँ, ठीक है। अगर ये पोकेमॉन बदलता है तो अच्छी बात होगी, नहीं भी बदलता तो अच्छी बात होगी। कोई भी आएगा तगड़ा डैमेज लेगा और ये आ चुका है गेंगार। अब भाई यहाँ से तो मैं भाग सकता नहीं हूँ, तो फिशरी लगाएंगे, नहीं तो और कोई ऑप्शन है ही नहीं। ये आया है यहाँ पर विलो वेस्ट, तो मूव साइड मेरे को पता लग गया कि नॉक ऑफ नहीं लगा, मतलब विलो वेस्ट होगा, कर्ज होगा, टॉन्ट होगा, रेस्ट होगा। जल्दी मारने की कोशिश है पर होल्ड आइटम को कम हाँका गया यहाँ पर, कोई ना। ऑब्वियसली डाकर के पास नॉक ऑफ है तो क्या ही ज़रूरत इसके पास नॉक ऑफ देने की। अच्छा, तो फाइनली एक फिशर हिट हो गया। ये बेवकूफ़ी थी, मतलब आपने देख लिया कि उसके पास स्नोरलैक्स, मतलब मेरे पास स्नोरलैक्स है तो अपने जैगयार्ड को आगे लेके आओ ना। आपके पास यह प्रेशर एबिलिटी है तो उसका इस्तेमाल करो, टीम में क्यों रखा है उसको, मतलब दिखाने के लिए कि हाँ एक जैगयार्ड है। और यहाँ पर मैं जी मूव लगाता हूँ और ये एक और इमेच्योर सा बिहेवियर, अपना जैगयार्ड कर दिया गया सामने। एक लौता ऐसा पोकेमॉन है जो एक बार अटैक बूस्ट हो गया तो पूरा टीम भी ख़त्म कर सकता है, मतलब पूरे मेरी टीम को ख़त्म कर सकता था, और उसका भी होल्ड आइटम कर लिया बेकार। कोई ना, ये मेरे लिए अच्छा था। अब मैं यहाँ पर एक बार अटैक ही करता हूँ। अब मेरे को लग रहा है कि ठीक है कि हम लोग एक बार नेक्स्ट आने वाले पोकेमॉन को ख़त्म कर देते हैं। मेरे को लगा ये पोकेमॉन बदल देगा तो इसीलिए मैं टरानोटॉर लेके आता हूँ और यही करते हैं हम लोग। देखो, मेरे को लगा ही था कि वो ग्राउडन आने वाला होगा मोबाइल को देख के, ताकि मोबाइल का जीमू वेस्ट किया जाए, पर इतने भी बेवकूफ़ नहीं है हम लोग, हमें स्विचिंग का अच्छा खासा नॉलेज है। अब मैं फिर से पोकेमॉन बदलता हूँ, मेरे को लग रहा है मोबाइल आएगा और मैं ग्राउडन लेके आता हूँ, ठीक है। अब वो टरानोटॉर का डबल जीमू अपने मोबाइल को वेस्ट करना चाहता होगा, तो ये देखो आ चुका, मेरे को लगा ही था। और मैं फिर से अब यहाँ पर एक बार अर्थवेक लगा देता हूँ कि अगर ये बदलता है तो नेक्स्ट आने वाले पोकेमॉन डैमेज मिलेगा, अगर नहीं भी बदलता है तो किसी को तो डैमेज मिलेगा अर्थवेक से एटलीस्ट। तो यहाँ पर आ चुका है स्वॉम्पर्ड, एक बार रॉक टूम डाल देता ना तो ज़्यादा अच्छा रहता, पर स्वॉम्पर्ड पर रॉक टूम अच्छा नहीं था इसीलिए अर्थवेक भी चलेगा। कोई नहीं, बंदे के पास कोई भी फ्लाइंट है, पोकेमॉन था नहीं, मेरे को लगा डाकरा आएगा इसलिए आपको एक मैंने मारा था। अब इन्फास्टेशन हमारे स्वॉम्फर्ड पर, डिट्टो हमारा मूव सेट कॉपी किया गया है, पर चलता है, हर कोई ऐसे करता है, ये अकेला नहीं है, बड़े बड़े लोगों भी करते हैं यहाँ पर। तो अब मैं एक बार काउंटर लगा दूँ कि ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेरे से तेज़ है तो इसका हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर लगा देता हूँ जीमो, इतना तो है कि आराम से ख़त्म हो जाए, मतलब एटलीस्ट होना तो हो तो जाना चाहिए। अब रेस्ट, बंदी का स्पीड ज़्यादा है, सारी चीज़ ज़्यादा है, ये इसीलिए क्योंकि एक तो वीआईपी वगैरह छोड़ो, डिऑक्सिस का आर्टो फाइटर से कंप्लीट किया हुआ है, ऊपर से गिल्ड रिसर्च लेवल 10 है, तीनों के तीनों 10 डिक्लेयर्ड गिल्ड से बिलोंग करता है। तो वहाँ पर तो भाई बड़े बड़े सुरमाओं के पोकेमॉन रिलीज़ किए गए हैं वहाँ पर गिल्ड में, तो रिसर्च लेवल 10 है, मतलब एचपी 15% फ्री में मिलती है और डिफेंस 10% फ्री में मिलता है। 10% गाइज मतलब 2 जी रिम्स के बराबर और 3 एचपी लेवल 5 के जी रिम्स के बराबर। तो स्वॉम्पर्ड यहाँ पर गया, ये बंदा डैम कर रहा है ना तो इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा यार। अब तो मतलब मेरा दिमाग ही गर्म हो चुका है। अब मैं लगाता हूँ यहाँ पर जी मूव मोबाइल का, अभी कुछ भी करे तो तगड़ा डैमेज तो मिलेगा, और ये गया स्वॉम्पर्ड। अब इसको कॉन्फिडेंस आ गया था कि स्वॉम्पर्ड मोबाइल से तेज़ होगा, इसीलिए इसने खड़ा रखा था, ठीक है। अब जी मूव पड़ा उसका गया, तो मैं लेके आता हूँ टरानोटॉर। अब मैं यहाँ पर चाहता था स्लेथरॉक्स बिछा दूँ, क्योंकि बंदा बहुत ज़्यादा स्विचिंग कर रहा था और इस स्विचिंग को ये चीज़ लगाम पर डालेगी। तो गाइस अब यहाँ पर मैं चाहता था स्लेथरॉक्स बिछाना, पर मैं बिछा नहीं रहा हूँ, मैं जी मूव लगा रहा हूँ और मोबाइल आया। कोई नहीं, एक और जी मूव लगाते हैं, अब इतना चीज़ हो चुका है, मतलब एक वेस्ट हुआ है तो दूसरा भी करते हैं और डेड है, मतलब अब एक हद को काफ़ी होना चाहिए मार देने के लिए। कितना मतलब ये थोड़े से बच गए यार, थोड़े से और ये रेस्ट। अब मैंने यहाँ पर रेस्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर ये भी अच्छा हुआ, मैं एक औरत को एक मारता हूँ एक हिट में, तो मतलब टरानोटॉर मरने नहीं वाला, चाहे जीमू भी क्यों ना हो, एबिलिटी है भाई। अब एक औरत को एक मार कर जाता हूँ ताकि इससे रेस्ट इस्तेमाल करना पड़े अपनी एचपी रिकवर करने के लिए, और मैं उतने में इसका खेल ख़त्म कर दूँ। अब मैं जल्दी से भेजता हूँ अपने मोबाइल को, अब इसीलिए भेजता हूँ कि अगर ये रेस्ट इस्तेमाल करता है तो मैं उतने में स्वॉर्ड डांस यूज़ कर लूँगा। ब्रिक ब्रेक है हमारे पास, अब सामने आता है डार्क राय, तो एक ब्रिक ब्रेक काफ़ी रहेगा, हालांकि हम पे नॉक ऑफ पड़ेगा तो उतना तो ले ही सकते हम लोग, ब्रिक ब्रेक से अधमरा हो जाएगा ये टोटल। तो ये देखो हो भी चुका है, अच्छा हुआ कि नॉक ऑफ पड़ा, अगर नॉक ऑफ नहीं पड़ता तो ये डेड था, ठीक है। तो
तो मैं स्नोरलैक्स लेके आता हूँ। अब भाई डार्क वॉइड ही आएगा या फिर इन्फेस्टेशन यही कुछ आएगा, तो डार्क वॉइड ही आना चाहिए था। ये जीमूव आया तो चलो स्लीप इफेक्ट तो होगा नहीं, पर तो मैं पोकी में बदल देता हूँ और लेके आता हूँ अपने ग्राउडॉन को। अब ग्राउडॉन को इसलिए लेके आता हूँ ताकि एक अर्थ को एक मारा जाए और बच्चा जो छोटा सा मतलब छोटा सा जो इतना छोटा सा एचपी बचा है ना जिसको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि अभी हमारा होल्ड आइटम ख़राब हुआ नहीं है और ना ही बैरीज, तो हम लोग उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बार मैं यहाँ पर अर्थक्वेक यूज़ करता हूँ और ग्राउडॉन पे लगता है अच्छा खासा डैमेज, इतना भी अच्छा नहीं लगता फिर भी डैमेज पड़ता है गाइस। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, मतलब हम लोग खड़े थे बल्कअप कर रहे थे और रॉक टूम लगा रहे थे, उतने में हम पर जीमू पड़ा, नॉक ऑफ इफेक्ट भी आ चुका है, तब आएगा डार्क राय। पर मैंने यहाँ पर गलती से पलकअप किया, मेरे को लगा नहीं था कि इतनी जल्दी ले आएगा और वो लेके आ चुका। अब ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था इस डार्क राय के स्लीप पर, तो ब्रो अगर आप डार्क राय यूज़ करोगे तो हमें भी फीचर यूज़ करना ही पड़ेगा, मतलब इंडीड अगर आप ये कर सकते हो तो हम लोग भी कर सकते हैं। और आप बेवकूफ़ हो, मतलब आपके पास जैगयार्ड है और उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो, प्रेशर एबिलिटी दिया है किस लिए उसका, मतलब सिर्फ दो बार से ज़्यादा तीन बार मैं फीचर यूज़ कर सकता था, जो पहले दो मिस हो गए ठीक है तो आपके पूरा टीम बच सकता था, पर आप बेवकूफ़ हो यार, मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब $1500 वेस्ट हो गए, पैसे बर्बाद। अब वो लाइन में नहीं बोलूँगा बाद वाला, क्योंकि कुछ भी हो सकता है चैनल पे, तो मैं लोग कुछ करेंगे नहीं यहाँ पर ठीक है। अब मैं जीमूव लगाता हूँ नॉक ऑफ के बाद, इसीलिए क्योंकि गेंगार तो डैडी है भाई, अब रेस्ट इस्तेमाल करके कोई फ़ायदा है नहीं, तो मैं इसको मरने देता हूँ पर जीमूव लगा के जाता हूँ ताकि ग्राउडॉन रेस्ट यूज़ करे और उतने में मैं अपना मोबाइल ला के स्वॉर्ड डांस यूज़ कर लूँ। अब टोटल जो मैच था कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि सामने वाले के हित में है, पर उसके हित में नहीं है, हित हमारे में है ठीक है। अब मैं यहाँ पर वेट कर रहा था कब ये पोकेमॉन बदले, कब इसका एक पोकेमॉन रेस्ट इस्तेमाल करे और कब मैं उतने में अपना मोबाइल लेके आऊँ और स्वॉर्ड डांस इस्तेमाल करूँ। एक बार अटैक प्लस टू या फिर प्लस फोर हो गया भाई, उतने में ही काफ़ी होगा, पूरा टीम ख़त्म। अब सामने आ चुका है जैगयार्ड। अब मेरे को लगा था कि मोबाइल खड़ा रखेगा, इसलिए हमने रॉक टूम लगाया, मेरे को पता ही था कि पोकेमॉन बदलेगा तो रॉक टूम ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब स्पीड उसकी स्लो है तो मैं जल्दी से मोबाइल लेके आता हूँ, मेरे को अंदाजा लग चुका है कि वो पोकेमॉन बदलेगा और ये आया ग्राउडॉन। अब ये हमारा आया मोबाइल, अब मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ स्वॉर्ड डांस, रॉक टूम लगाते हैं सबसे पहले ताकि आने वाला पोकेमॉन डैमेज ले ठीक है, उसने पोकेमॉन बदला नहीं और रेस्ट इस्तेमाल कर लिया। रॉक टूम की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मतलब धोखेदार होती है, बहुत बार धोखा दी जाती है, इस बार भी हम दे चुके हैं, पर कोई नहीं, हम लोग यहाँ पर स्वॉर्ड डांस लगाते हैं और सामने आ चुका है मोबाइल। अगर रेस्ट इस्तेमाल करता है तो मरेगा और कुछ भी करे तब भी मरेगा। अब हम लोग लगाते हैं ठीक है, हम पर फाउल प्ले पड़ चुका है, ब्रिक ब्रेक, उसका खेल खत्म। हमने आयरन हेड हटाया है कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं, अभी हम लोग रॉक टूम का ज़्यादा इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा अच्छा साबित होता है। हम लोग बहुत पहले से रॉक टूम का इस्तेमाल करते थे जब गेम में आए थे, मतलब बहुत समय पर मोबाइल पर रॉक टूम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और यहाँ पर ग्राउडॉन उठ चुका है, डैम स्पैम कर रहा है, इतने आसानी से नहीं मरने वाला, मैं ब्रिक ब्रेक देके जाता हूँ, अच्छा खासा डैमेज पड़ा है और लैंड ऑफ ऑरिजिन से डैमेज तो पड़ा है, पर एक और हिट में झेल सकता हूँ और आप एक और हिट नहीं झेल पाओगे, आपका खेल खत्म। एक और ब्रिक ब्रेक और गया ग्राउडॉन, चढ़ गया हत्ते मोबाइल के। अब आया एक जैगयार्ड, अब अगर प्लेयर ऑफ हिट नहीं होता है ना भाई, मैंने तोड़ देना है रिकॉर्ड, कुछ और नहीं तोड़ना है। अब गया, अब करो डैम स्पैम। तो होप गाइस वीडियो अच्छी लगी आपको, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है यार, मतलब फिर भी मैंने बोल दिया अच्छी लगी आपको, पर अभी टोको को ठोकना बाकी है। इंडीड गाइस मैं सच बताता हूँ ना, मैं हर टोको की रिस्पेक्ट करता हूँ अदर देन इसके, ये नाम नहीं है टोको अमन, इसका नाम है ठोको अमन। अब ये इसीलिए ठुकता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बोलता है। अच्छा अपने चैनल पे बोलना अलग बात होती है, पब्लिकली बोलना अलग बात होती है, किसी को टारगेट करके बोलना अलग बात होती है, बोलना अलग बात होता है, गाली देना अलग बात होता है। तो जिस लेवल की आप गाली देते हो उस लेवल का परफॉर्मेंस भी अगर आप दे पाते तो ज़्यादा अच्छा होता। मैं किसी भी टोको के बारे में बुरा नहीं बोलता, बस यही मतलब मैं डाल देते कहावत के लिए कि टोको को ठोको, पर हर टोको को हम लोग नहीं ठोक सकते, बहुत टोको ऐसे हैं कि हमें ठोक जाते हैं गाइस लिटरली। पर सच बताऊँ ना कि ये जो बंदा है ये थोड़ा सा मैं इसे नापसंद करता हूँ, थोड़ा सा क्या, मैं इसको बिल्कुल नापसंद करता हूँ। गेंग मतलब देखो स्पीड प्लस टू हो चुकी है, फिर भी मेरे गेंगार से स्लो, तो क्या ही फ़ायदा ब्लेजिगन होने का, मतलब स्पीड बूस्ट एबिलिटी क्या ही फ़ायदा उसका। अब आखिरी बैटल मतलब लगातार तीन बार मिला, तीनों बार मैच शुरू होने से पहले भाग गया। अब भाई मतलब कर लो बैटल, अब इतना ज़्यादा फेसबुक वगैरह में बोलते हो गाली देते हो तो एटलीस्ट कुछ परफॉर्मेंस भी दिखा दो हमें। तो यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और मेरे को लगा ही था कि वो प्रोटेक्ट यूज़ करेगा, इसलिए हमने जीमू वेस्ट किया नहीं। अब हम करते हैं जीमू, अब ये जीमू और अभी भी हम तेज़ हैं, स्पीड इंक्रीज़ हुई है पर ब्लेजिकन का स्पीड ज़्यादा है नहीं मेरे ख्याल से ठीक है। अब मैं लगाता हूँ नॉक ऑफ ताकि होल्ड आइटम कर दिया जाए ख़राब, और उसके बाद तो ये मर ही चुका है, मतलब ज़्यादा ज़्यादा क्या करेगा, अर्थक्वेक या फ्लेयर ब्लेज। अर्थक्वेक सिर्फ
फाइव डैमेज देती है अटैक प्लस टू के साथ, तो भाई हद ही है। मतलब अब जीमू आया हम पे और करना पड़ा वेस्ट, मतलब ब्लेजिकन के पास अब कुछ बचा नहीं तो उसको अपना अटैक बूस्ट करना पड़ेगा। तो ये एक और हद को एक और हम लगाते हैं रेस्ट, स्पीड ज़्यादा होने का और थोड़ा सा एक्सपीरियंस होने का यही फ़ायदा होता है। अब मैं पुंगेन बदल के लेके आता हूँ स्वॉम्पर्ड, स्वॉम्पर्ड इसीलिए लेके आता हूँ ताकि मैं फिशर्स लास्ट लगा के ख़त्म कर पाऊँ। अब मेरे को लग रहा है ये पुंगेन बदलेगा ना, तो अगर कोई बदलता है तो अच्छा खासा डैमेज लेगा। मैं भी चाहता था कि अब थोड़ा सा मतलब दूसरे पोकेमॉन्स को भी मौका दिया जाए, सारा अगर फन हम ब्लेजिकन पे निकाल दें तो बाकी भी थोड़ा उदास हो जाएंगे। तो वो पोकेमॉन बदलता है और लेके आता हमने डालगा, एक फिशर स्लाइस पर पड़ेगा और ये पड़ चुका है। अच्छा डैमेज मिला पर लेफ्ट ओवर से थोड़ा रिकवर भी हो गया। तो मैं पोकेमॉन बदल देता हूँ, लेके आता हूँ मोबाइल, इस पर ड्रैगन टेल है तो मोबाइल के अगेंस्ट तो वो काम करेगा नहीं, और स्लेथ्रॉक्स में आपको बिछाने तक का मौका दूंगा नहीं। और वो पोकेमॉन बदल देता है गाइस और लेके आता अपने गार्चों को। अब मैं यहाँ पर एक जी मूव लगा के कर दूंगा खेल खत्म, पर ये बंदा भाग जाता है। तो होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।